लेक्चर ऑर्गेनाइज्ड बाय सबस्ट्रेटम लर्नर्स। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बिगनिंग, एक इंट्रोडक्शन क्लास टेंथ में आता है इन द फॉर्म ऑफ अ चैप्टर विच इज नोन एज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दैट इज चैप्टर नंबर 4। तो आज की क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने इसका लेआउट लिखा हुआ है, इस लेआउट को डिस्कस कर लीजिए। जैसे कि हमारा कस्टम है कि हम पहले चैप्टर का लेआउट प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चल जाए। उसके बाद वन बाय वन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ये मेथड आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है व्हेन यू रिवाइज द चैप्टर, बिकॉज एक चैप्टर काफी लेंथी होता है और अब उसके सारे टॉपिक्स को, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप लेआउट के फॉर्म में स्टार्टिंग में लिख लेते हो तो बाद में रिविजन करते वक्त वन बाय वन एक एक टॉपिक को आप उठा के और बहुत ईजिली अपने चैप्टर को कम्प्लीट कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेआउट को, उसके बाद हम आज कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम आपको यहां तक होमोलोगस सीरीज तक पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दें। होमोलोगस सीरीज के बाद आ जाएगा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज एक्चुअली नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो नेमिंग हम लोग डिस्कस करेंगे एक डिटेल वीडियो में, जो कि इसी के बाद आएगा, वीडियो अपलोड होगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक के बाद एक नेमिंग, और नेमिंग का अलग से हम एक वीडियो प्रिपेयर करेंगे ताकि इन केस बाद में, क्योंकि नेमिंग इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, बार बार आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो आप उसको अच्छे से डिस्कस कर सको, उसको अच्छे से समझ सको, तो हम नेमिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो आपके लिए दे देंगे, प्रिपेयर करके प्रोवाइड करा देंगे। एंड आफ्टर दैट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, दैट इज दीज 5 रिएक्शंस अलोंग विद द 7th एंड 8th टॉपिक, दैट इज सैपोनिफिकेशन एंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, विच आर 2 कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, इनका एक अलग वीडियो होगा। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में होमोलोगस सीरीज तक होगा, सेकेंड पार्ट में नॉमेनक्लेचर विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और थर्ड पार्ट में रिएक्शंस अलोंग विद द 7th एंड 8th टॉपिक। जो फोर्थ वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज आप कितना भी चैप्टर पढ़ लो, लेकिन जब तक आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तब तक आपको वो टॉपिक क्रिस्टल क्लियर के तरह समझ में नहीं आता। और हमारा मोटिव क्या है? टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर समझना। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर का लेआउट है। चैप्टर की शुरुआत में ही 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और अगर इसको हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर में ये जो तीनों टर्म्स हैं, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, टेट्रावेलेंसी और कैटनेशन पार, इन तीनों में से कोई 2 तो जरूर आता है इन एनी फॉर्म। 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में, और हायर मार्क्स वैल्यू के भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सो इन 3 में से ये 2, या इन तीनों को हम कह सकते हैं कोई भी 2 पूछा जा सकता है, तो ये तीनों, यानी कि ये जो तीनों टर्म्स हैं, दे बिकम वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन देमसेल्फ। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? नाउ हाइड्रोकार्बन अगर इसको स्प्लिट करें तो क्या चीजें हैं? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो ऐसा कार्बन का कोई भी कंपाउंड जिसमें कि हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट है, देन दैट इज नोन एज अ हाइड्रोकार्बन। कार्बन का एक कंपाउंड है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो क्या CO2 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन है? ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन वही हम बात करते हैं CH4 की, विच इज मीथेन। तो CH4 इज अ हाइड्रोकार्बन। ओके, सो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब वो जिनको हम इजिली फर्दर ब्रेक ना कर सकें, जिनका हम इजिली ब्रेक डाउन ना कर सकें, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड में जो आते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं, वही
अनसैचुरेटेड में जो आते हैं वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये वाले इन्वॉल्व होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम कहते हैं एल्केन, ए एन ई यहां पे मेंशन कर दे रहे हैं एल्केन। वेयरएज जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं दैट इज एल्कीन एंड एल्कन। तो ये हो गया एल्कीन और ये हो गया एल्काइन। एल्कीन इज डबल बॉन्ड वेयरएज एल्काइन इज ट्रिपल बॉन्ड। ओके अभी टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं चेन ब्रांच और रिंग। नाउ हाइड्रोजन और कार्बन मिलके जब बॉन्डिंग प्रिपेयर करते हैं, मिलके जब बॉन्डिंग बनाते हैं तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बनाते हैं। कभी एक सिंगल चेन के फॉर्म में बना लेते हैं, कभी सिंगल चेन तो होता है लेकिन उसके चारों तरफ ब्रांचेस होते हैं, कुछ ग्रुप्स अटैच होते हैं, और कभी वो एक शेप बना लेते हैं ऑक्टागन, पेंटागन, टेट्रागन, किसी भी तरह का एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लेते हैं। देन दैट क्लोज स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज रिंग। ओके दो से ज्यादा दैट मीन तीन कार्बन का कोई भी स्ट्रक्चर है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, बेंजीन, ये सब किसमें आ जाएंगे? दे ऑल विल कम इन द रिंग पोर्शन। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द होमोलोगस सीरीज। नाउ व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज इज एक्चुअली अ फैमिली, एक फैमिली है जिसमें की सर्टेन एलिमेंट्स प्रेजेंट, सर्टेन कंपाउंड्स कार्बन के प्रेजेंट होते हैं। इन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। नाउ अब ये जो दो चिड़िया का हमने नाम लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, ये क्या है इसको हम टॉपिक पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर जिसमें है नेमिंग ऑफ कंपाउंड। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज IUPAC। सिंपल लैंग्वेज में इसको बहुत सारे बच्चे IUPAC भी बोलते हैं। ठीक है IUPAC is an organization which has framed certain rules, कुछ rules उसने prepare किए हैं जिसके according हम किसी compound की जो कि एक organic compound है उसकी naming करते हैं। किस तरीके से naming करते हैं और ये जो IUPAC है इसका full form क्या है? Note it down, very important, कई बार one marks question में पूछा जाता है। IUPAC International Union ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ का कोई मतलब नहीं है, मतलब यहां पे इन्वॉल्व नहीं है, प्योर एंड का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये हो गया IUPAC का फुल फॉर्म। उसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है जो हम देखेंगे? ये पांच केमिकल प्रॉपर्टीज है कि अगर कंबशन होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हाइड्रोकार्बन में, या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन, स्टेरिफिकेशन, इन पांचों में से कुछ भी अगर होता है देन व्हाट वुड बी द रिएक्शन। आफ्टर दैट इसी जो एस्टेरिफिकेशन है, एस्टेरिफिकेशन से एक स्टेप हमें मिलता है दैट इज नोन एज सैपोनिफिकेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सोप। तो सोप का फॉर्मेशन उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट ये दोनों कंपाउंड है दैट इज इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और इथेनोइक एसिड में प्रेजेंट होता है COOH ग्रुप। तो इन सारी चीजों को, इन सारे पोर्शंस को हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो इट वुड बी गुड कि आप नोट्स प्रिपेयर करो, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले टर्म से दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो पहला टर्म है कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बारे में आपने पहले भी वीडियो में सुना होगा। इस वीडियो में सुना था, मैं थोड़ा याद दिला दूं, एक वीडियो आपके सामने आया था विद द नेम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन जिसमें कि हमने 5 टाइप्स के बॉन्ड बताए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। तो बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर। फर्स्ट आयनिक बॉन्ड जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ये एक इस तरीके का बॉन्ड है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन
एंड टेकन. कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिसीव होते हैं. मेटल्स गिव इलेक्ट्रॉन, वेयर एज नॉन मेटल्स रिसीव इलेक्ट्रॉन. ओके, मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो दे अटेन पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज नॉन मेटल व्हेन दे रिसीव इलेक्ट्रॉन दे अटेन नेगेटिव चार्ज. अब दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड. जो नेक्स्ट, जो सेकेंड टाइप का बॉन्ड जो कि हम इस चैप्टर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स. दो नॉन मेटल जब एक साथ कंबाइन होते हैं देन दे फॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड. नाउ दिस कोवलेंट बॉन्ड विच इज प्रिपेयर्ड, इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स एंड इट इज बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ लैपटॉप और अ रेफ्रिजरेटर इवन अ टेलीविजन, तो होता क्या है कि घर में एक टेलीविजन या एक रेफ्रिजरेटर या इवन वन लैपटॉप आता है एंड ऑल द पीपल शेयर इट. बिल्कुल वैसे ही एलिमेंट्स भी क्या करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वो शेयरिंग करते हैं, और जब वो शेयरिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर पोजिशन पे होते हैं. फर्स्ट एलिमेंट है उसका भी वो इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड एलिमेंट है उसका भी वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. दैट टाइम दो दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इन द टर्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लेकिन उससे पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए, डेफिनेशन बहुत जरूरी है. आइए साथ में डेफिनेशन लिख लेते हैं. ओके, सो डेफिनेशन वुड बी, इट इज अ बॉन्ड प्रिपेयर्ड बिटवीन नॉन मेटल्स. इट इज अ बॉन्ड प्रिपेयर्ड बिटवीन नॉन मेटल्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है. क्यों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, टू अटेन स्टेबिलिटी. तो आगे लिख क्या देंगे हम, टू अटेन स्टेबिलिटी. ओके, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो देन दैट कंडीशन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. यहां पे कुछ कीवर्ड्स है, कौन कौन से समझ लेते हैं. तो पहला कीवर्ड है नॉन मेटल्स बिकॉज इट अकर्स ओनली एंड ओनली इन नॉन मेटल्स. दूसरा कीवर्ड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है. ठीक है, नाउ एक कंपाउंड बना के देख लेते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है. जो सबसे छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज CH4 विच इज मीथेन. ठीक है, नाउ इसका स्ट्रक्चर, कार्बन आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज 6. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल लिखेंगे तो 2 and 4, 4 का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां पे और एक यहां पे. हाइड्रोजन कितने हैं, 4. ठीक है, 4. तो इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रिपेयर होगा. सो एक शेयरिंग यहां होगी, शेयरिंग में हम एक सर्कल बना देते हैं. दैट मींस कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट्स के, कि हाइड्रोजन का ये और ये इलेक्ट्रॉन दोनों है इन द सेम वे, कार्बन का भी ये और ये इलेक्ट्रॉन दोनों है. ठीक है, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां एंड एक बॉन्ड यहां. तो H1, H2, H3 एंड H4. H1 में आउटर मोस्ट में आप देख लो 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस हाइड्रोजन इज स्टेबल बिकॉज हाइड्रोजन डुप्लेक्स करके अपने आप को स्टेबल करता है. H2 भी स्टेबल, H3 भी स्टेबल एंड H4 भी स्टेबल. देख लेते हैं कार्बन स्टेबल है कि नहीं. तो कार्बन के पास 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के ऑलरेडी थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसको मिल गए कहां से, फ्रॉम 4 डिफरेंट हाइड्रोजन. ओके, सो नाउ कार्बन इज ऑल्सो स्टेबल एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो स्टेबल इन नेचर. सो दिस फिनोमेना, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड के बाद जो नेक्स्ट और सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज
टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी। नाउ व्हाट इज टेट्रावेलेंसी? तो टेट्रावेलेंसी में इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, कौन कौन से पार्ट? एक है टेट्रा, एक है वैलेंसी। टेट्रा मींस फोर, वैलेंसी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन टू अटेन स्टेबिलिटी। जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन या तो गिव करते हैं या तो रिसीव करते हैं। इलेक्ट्रॉन गिव या रिसीव करने की वजह से उनके आउटर मोस्ट में एक हो जाता है, दे बिकम स्टेबल इन नेचर। इन द सेम वे यहां पे जो एलिमेंट है दैट इज कार्बन, वो टेट्रावेलेंसी अटेन करता है। इस तरीके से अटेन करता है, तो देखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2 and 4। दैट मींस ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये गिव भी कर सकता है, तो अगर गिव करेगा तो +4 और रिसीव करेगा तो -4। सो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +-4। बट यू ऑलरेडी नो, अभी हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड देखा दैट कार्बन नीदर गिव्स इलेक्ट्रॉन नॉर रिसीव्स इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई कार्बन C6 है तो 2 और 4, तो +-4 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? इट इज द स्पेशल फिनोमिना, इट इज द स्पेशल फिनोमिना सीन इन कार्बन, दैट इज इट हैज +or -4 वैलेंसी। ओके, इट हैज +or -4 वैलेंसी। सिंपल सा टर्म है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। 4 इलेक्ट्रॉन ये गिव भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव भी कर सकता है, दैट इज व्हाई इट इज +and -4। लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है, इट इज व्हाट? इट इज हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ टेट्रावेलेंसी और कोवेलेंट बॉन्ड के बाद जो थर्ड टर्म आता है दैट इज कैटनेशन पार। अब इसको कोरिलेट आप कर सकते हो, याद करिए बचपन में जब चेन चेन एक गेम हुआ करती थी उसको खेला करते थे हम लोग, ठीक है? उसमें क्या होता था कि एक डिनर होता था और वो एक किसी पर्सन को कैच कर लेता था, और जैसे ही उसके उसको कैच किया उसके हैंड को पकड़ के और फिर वो दोनों साथ में दौड़ते थे और फिर किसी और को पकड़ते थे, ठीक है? तो चेन बनाने के लिए मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती थी। तो बिल्कुल वैसे ही कार्बन में भी चेन बनाने के लिए, एक लॉन्ग स्ट्रिप बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन की जरूरत होती है। सो इट इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी सीन ओनली एंड ओनली इन कार्बन इन विच इट कैन प्रिपेयर अ लॉन्ग चेन दैट टू स्टेबल इन नेचर। बहुत लॉन्ग चेन और स्टेबल चेन वो प्रिपेयर कर सकता है कंसिस्टिंग ऑफ मिनिमम 2 कार्बन। ओके, 2 TO2 कितने तक? मिलियन ऑफ कार्बन, नो काउंटिंग एट ऑल, ठीक है? मिलियन ऑफ कार्बन तक वो जा सकता है। मिनिमम 2 कार्बन से लेके मिलियन ऑफ कार्बन तक की जब एक लॉन्ग चेन प्रिपेयर हो जाती है दैट इज नोन एज कैटनेशन पावर। ऐसी पावर और भी कुछ एलिमेंट्स में देखी गई है लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बट कार्बन में सबसे ज्यादा अच्छे से देखी जा सकती है। ग्लूकोज तो सुनाई होगा, उसमें C6 है, सुक्रोज पे जाओ C12 है। जैसे जैसे हाई लेवल पे जाते हैं वैसे वैसे कार्बन का नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। ओके, सो मीडियन ऑफ कार्बन तक ये एक लॉन्ग चेन प्रिपेयर कर लेता है विच इज स्टेबल इन नेचर। इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं, कैटनेशन पावर की। कैटनेशन इसका मेनली डेफिनेशन पूछा जाता है बस। सो कैटनेशन क्या हो जाएगा? इट इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। क्या करता है ये? एक लॉन्ग चेन प्रिपेयर कर लेता है टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन कंसिस्टिंग ऑफ मिनिमम 2, क्योंकि चेन बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, मिनिमम 2 TO2, कहां तक? मिलियन ऑफ कार्बन।
million of carbon. So minimum दो carbon से लेकर million of carbon तक की जब एक long chain prepare हो जाए then that is known as catenation path. Okay? So ये तीन terms हैं, काफी ज्यादा important है. इन तीन में से कोई भी दो terms exam में आपकी किसी ना किसी form में पूछे जाते हैं. तो इनकी डेफिनेशन अगर अभी तक आपने नोट नहीं की है देन प्लीज नोट इट डाउन एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आइए बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की. ऑलरेडी हमने बता दिया है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स. सो हाइड्रोकार्बन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. अब हाइड्रोजन एंड कार्बन का ये जो एसोसिएशन, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से दो पार्ट्स? फर्स्ट इज सैचुरेटेड. नाउ सैचुरेटेड मींस इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इजीली टू लोअर पार्टिकल्स. देखो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको फाइनली आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन सैचुरेटेड को फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक करने के लिए लार्ज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, इजिली ब्रेक डाउन नहीं होते. That is why they are known as saturated hydrocarbons. और हमारी बॉडी में जो फैट कलेक्ट होता है ना, जो सॉलिड फैट होता है, that is also saturated hydrocarbon. इसी वजह से उसको ब्रेक डाउन करने में इतनी ज्यादा मेहनत लगती है. ठीक है, नेक्स्ट अनसैचुरेटेड जिसमें है एल्कीन एंड एल्काइन. इनका नाम जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, एल्केन को हम पैराफीन्स भी कह सकते हैं और एल्काइन को ओलेफीन्स, एल्कीन को ओलेफीन्स और एल्काइन को एसिटिलीन का नाम भी दिया जा सकता है. नाउ स्टार्टिंग विथ एल्कीन, यानी कि ये क्या है, दे आर सिंगल बॉन्ड कंपाउंड और इनका एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. याद है लेआउट पढ़ाते वक्त, अभी जब हम लेआउट बता रहे थे तो वहां पे हमने दो चिड़िया का नाम बोला था, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पे हम डिस्कस करेंगे. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब एक बेसिक फॉर्मूला, एक बेसिक की जिसके अकॉर्डिंग हम बाकी के कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले है एल्केन यानी कि पैराफीन्स. नाउ एल्केन या पैराफीन्स ये है क्या, दे आर एक्चुअली हैविंग अ फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज CnH2n+2. कितना बॉन्ड होता है पहले देख लो, इनमें होता है सिंगल बॉन्ड, ओनली एंड ओनली वन बॉन्ड, दैट इज सिंगल बॉन्ड. एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड एंड एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड. तो इनका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2. नाउ आप सोच रहे हो यहां ये n क्या है. सो n इज एक्चुअली द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने लिख दिया जाए दैट n की वैल्यू है 6. ठीक है, एक assumption ले लेते हैं, द नंबर ऑफ या द वैल्यू ऑफ n इज 6. देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, तो कैसे लिखेंगे, n की जगह हम सीधे सीधे 6 लिख देंगे, h की जगह दिस इज सेइंग 2n. 2n मतलब 2 इंटू n, n की वैल्यू क्या है 6, तो 6 2 सा कितना हो गया 12. 12 के साथ 2 ऐड भी करना है. ओके, 12 के साथ 2 ऐड भी करना है, तो ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, C6H14. दैट मींस अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 14. इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, लेकिन अभी नाम बता के हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसको डिटेल में हम नॉमेनक्लेचर वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, इन केस द वैल्यू ऑफ n इज 3 और आपको बोला जा रहा है एल्केन प्रिपेयर करने को, तो कैसे प्रिपेयर करोगे, नाउ अगेन C की जगह 3 रख देंगे, C के साथ 3 रख देंगे और H का क्या हो गया, 3 2 6 प्लस 2, तो ये बन क्या गया C3H8. ओके, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा. अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को C6H14 और C3H8 को ओपन किया जाए, इसको देखा जाए कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, तो आओ देखें 6 कार्बन ही हो गए. ठीक है, अब हाइड्रोजन 1 2 3
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन, ठीक है। सब जगह एक एक हाइड्रोजन महाराज को बैठा दीजिए, सारे हाइड्रोजन को आप ऐड कर दोगे एक साथ, देन दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस वुड बी इक्वल टू 14, ओके। तो इस तरीके से इसका ओपन स्ट्रक्चर हम प्रिपेयर करते हैं। दिस इज ओनली नोन एज चेन, कैटनेशन पढ़ा था ना भाई, तो ये कैटनेशन का ही एग्जांपल है कि छह कार्बन एक साथ कंबाइन हो जा रहे हैं। ये तो बेटा कुछ भी नहीं है, ओनली सिक्स है, मिलियन ऑफ तक हम लोग बात की थी ना, ठीक है। चलो और नेक्स्ट पे करते हैं, C3H8, तो तीन कार्बन, एच कितना है आठ, एट है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सब जगह एक एक हाइड्रोजन लगा दो, एक एक हाइड्रोजन सब जगह लगा दिया, तो ये बन क्या गया, दिस इज सिंगल बॉन्ड। नाउ अगर आपको कहीं भी चेक करना हो कि कोई भी एक कार्बन या कोई भी एक हाइड्रोजन पूरी तरीके से स्टेबल है या नहीं, तो आप चेक करते, मान लो इन कार्बन जिसे पूछे नॉक नॉक स्टेबल हो या नहीं, ठीक है, तो ये खुद बताएंगे। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, फोर, और इसको चार जगह से बॉन्डिंग करनी है, ठीक है। तो एक अगर इस कार्बन की बात करें तो एक इधर से हो जा रहा है बगल वाले कार्बन से, फिर एक इधर वाले कार्बन से हो जा रहा है, एक राइट से लेफ्ट से हो जा रहा है, एक ऊपर एक हाइड्रोजन से, एक नीचे के हाइड्रोजन से, तो इस तरीके से इसकी चारों वैलेंसी हो जा रही है कंप्लीट, ठीक है। इसी तरीके से यहां आते हैं और मान लो लास्ट वाले से यहां पूछते हैं नॉक नॉक आप स्टेबल हो या नहीं, तो इनका भी आंसर क्या आएगा, एक बगल में है जो हमें स्टेबल कर रहे हैं कार्बन, और बाकी तीन हाइड्रोजन तो है ही जो हमें स्टेबल कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रिपेयर होता है कोई भी एल्केन, ठीक है। अब आओ बात करते हैं एल्कीन की, जो कि है क्या, डबल बॉन्ड। तो इसको कर देते हैं रब स्ट्रक्चर को स्पेशली, ताकि थोड़ी जगह मिल जाए हमें। सो डबल बॉन्ड, ठीक है, इसका भी एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों का एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। एल्केन का तो हम लोगों ने कर लिया डिस्कस CnH2n, एल्कीन का कर ले, ठीक है। तो एल्कीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CnH2, बस ना प्लस टू ना माइनस टू, कुछ भी नहीं, CnH2, ठीक है। तो अगर इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन सिक्स है तो कार्बन कितना, नंबर ऑफ कार्बन सिक्स है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इट वुड बी C6H12, सिर्फ टू से मल्टीप्लाई कर देना, बात कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वन तीन है अगर तो C3H6 ट्वाइस कर देना, लेकिन भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये है बुद्धि की बात, ठीक है। भाई इन दोनों के स्ट्रक्चर्स देख लें, छह कार्बन 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो ये छह है आपके ऊपर है, आप इनमें से किसी भी एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड कर लो, ओके। सिंगल सब में है लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या एल्कीन में, सब में नहीं होगा, ओनली वन प्लेस, ठीक है। मान लो यहां भी हमने डबल बॉन्ड कर दिया, अब जब डबल बॉन्ड करेंगे तो हम टेट्रावैलेंसी को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये कार्बन है, इसकी एक वैलेंसी बगल के कार्बन से एडजस्टेड है, कितने की जरूरत है, तीन की अभी भी जरूरत है, तो एक दो तीन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके। सेकेंड वाले कार्बन से पूछ लेते हैं, तो एक यहां पे हो गया और दो यहां पे है, तो वन प्लस टू इज व्हाट, बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा ना, ओनली थ्री, ठीक है। तो तीन कंप्लीट है, जरूरत कितनी की है, वन की है, तो वन लगा लिया यहां पे, ओके। थर्ड वाला, थर्ड से भी पूछा तो दो इधर से कंप्लीट, एक इधर से कंप्लीट, तीन कंप्लीट, जरूरत कितने की है, वन की। इन कार्बन जी से पूछा तो एक एक दोनों साइड से, अभी भी दो की जरूरत है इसको, तो एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां, टेढ़ा नहीं लगाएंगे, स्लांटिंग नहीं लगाएंगे, स्ट्रेट एडजस्ट करेंगे, ओके। इस वाले कार्बन में एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां, इस वाले में एक दो और तीन, एक दो और तीन, अब गिन लो जल्दी से कि क्या हम सही है या नहीं, ठीक। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। इसी तरीके से C3H6 में भी देख लेते हैं,
आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम बीच में ही क्यों लगाया, साइड में लगा देते, चलो साइड में लगा देंगे इसमें, ठीक है। वैसे तो ये दोनों ही साइड से, लेकिन अभी एक और स्ट्रक्चर में आपको दिखा देते हैं, तो उसमें हम साइड में पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा वही स्ट्रक्चर। इनकेस यहाँ हटा के यहाँ पुट कर देते ना, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से हटके और यहाँ पे आ जाता, ठीक है, बात वही पड़ेगी, कुछ अलग नहीं होगा। तो तीन कार्बन है, तो मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन से पूछा तो दो तो यहाँ से बैलेंस है, एक यहाँ से बैलेंस हो गया, एक यहाँ से बैलेंस हो गया। इन कार्बन से पूछा तो दो इधर एक इधर, तीन बैलेंस है, तो एक यहाँ पे बैलेंस हो गया। इन कार्बन से पूछा तो एक दो और तीन बैलेंस है, तो अब देखिए कार्बन तीन, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो गया प्रिपेयर। फॉर्मूला क्या है, CnH2n, ओके। नाउ बात करते हैं एल्काइन की, यानी कि YNE जिसमें है ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले हम स्ट्रक्चर को कर दे रिमूव ताकि इजीली हम समझ सके उन चीजों को। आई होप सो आप स्ट्रक्चर साथ में नोट करते जा रहे हो। इन केस अगर स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ नहीं किया, छूट गया, तो वीडियो को थोड़ा बैक कर लो और स्ट्रक्चर नोट कर लो, ठीक है। चलो अब एल्काइन पे चलते हैं। तो एल्काइन का जो फॉर्मूला है दैट इज CnH2n-2। अब यहाँ पे दो की डेफिशिएंसी हो जाएगी, दो की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ ट्वाइस कर दे रहे थे, अब उसी ट्वाइस में से दो माइनस कर लो, तो n की वैल्यू है कितनी, 6। तो इसी से बना लें, C6H12 है, 12 में से दो माइनस कर दिया, कितना हो गया, 10, ओके। इसी तरीके से C3 है, 6 है, 6 में से 2 माइनस कर दिया, कितना बचा, 4। इन दोनों के स्ट्रक्चर देख लें, तो इनका स्ट्रक्चर तो इस तरीके से बनेगा, 4, 5 और 6। अब किसी भी एक जगह पे, चलो वहां पे हम एंड में नहीं पुट कर पाए थे, यहाँ पे एंड पे पुट कर दे रहे, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, क्योंकि पढ़ क्या रहे, एल्काइन, कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, ठीक है। तो 1 2 3 यहां से कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी चार कोई की जरूरत है, यहाँ पे एक लगा दिया, ठीक। सेकंड कार्बन की तरफ चलते हैं, तीन इधर से एक इधर से, टेट्रावेलेंसी कंप्लीट, 4 हो जा रहा है, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इस वाले कार्बन की तरफ एक इधर एक इधर, दो अभी भी डेफिशिएंसी है, तो एक इधर एक इधर, ठीक है। इस वाले कार्बन में भी एक ऊपर एक नीचे, इस वाले कार्बन में भी एक ऊपर एक नीचे, इस वाले कार्बन में ऊपर नीचे और एक साइड में, क्योंकि टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करनी है, तो तीन हम एडजस्ट करेंगे। काउंट कर लेते हैं कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से बन गया गया C6H10। थ्री वाले में भी तीन कार्बन हाइड्रोजन, किसी एक जगह पे तीन लगा देते हैं, मान लो यहाँ पे हमने तीन ऐड कर दिया, तो अब एक हाइड्रोजन बस यहाँ लग रहा है, इस कार्बन के पास तीन इधर वन इधर, यानी कि 4 कंप्लीट, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इस कार्बन के पास तीन की डेफिशिएंसी, तो 1 2 3 हमने कर दिया ऐड, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4, ओके। सो इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे बार बार कह रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले नहीं दिए जाएंगे, आपको सिर्फ बता दिया जाएगा दैट यू हैव टू प्रिपेयर एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन विद द नंबर ऑफ कार्बन गिवन। वहां पे आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जैसे इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं, इस तरीके से बनाना पड़ेगा, एंड ओपन स्ट्रक्चर भी शो करना पड़ेगा। एट दैट टाइम यू मे ईदर यूज योर पेन और योर पेंसिल, जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उनमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। केमिस्ट्री है, आर्ट नहीं है कि हमेशा आपको पेंसिल ही यूज करना, ओके। तो जल्दी से इसको भी कर लीजिए नोट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। दो छोटे छोटे पोर्शन आज बचे हुए हैं, पहला है जिसमें हम ब्रांचेस चेन और रिंग पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से चेन आपने यही देख लिया, जहां पे ये भी बना भी हुआ है, ये जो स्ट्रेट पोर्शन है, दिस इज नोन एज चेन। इसमें कुछ ब्रांचेस भी आते हैं, वो ब्रांचेस क्या हैं, उनको डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे रिंग को। तो ये करने के बाद एंड पे हम पहुंचेंगे अपने वीडियो के आज, जिसमें है होमोलोगस सीरीज। तो इसको जल्दी से करिए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कार्बन को, जो कार्बन जिस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है, उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। चेन यानी कि नॉर्मल जो
स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज चेन, उसे हम बोलते हैं एंड चेन यानी कि नॉर्मल चेन। उसके बाद आता है ब्रांच, ब्रांच में होता है आइसो और न्यू, और थर्ड है एरोमेटिक यानी कि रिंग, जिसमें एरोमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रिंग वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं इन उनमें एक पर्टिकुलर अरोमा होता है, एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एरोमेटिक ऑल्सो। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नॉर्मल से, तीनों को आइडेंटिफाई करने का यानी कि नॉर्मल आइसो और नियो को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक है। क्या ट्रिक है? अगर एक कार्बन है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक एक कार्बन और प्रेजेंट हो, जैसे कि अगर हम चार कार्बन की एक चेन बनाए, चार कार्बन की एक लाइन बनाए, उसमें अगर हम इस वाले कार्बन को देखें, सेंटर के कार्बन को नहीं देखते, एंड्स के कार्बन को नहीं देखते, तो सेंटर के कार्बन में आप देख रहे हो कि अगर इस वाले कार्बन को हम देखें तो एक पहले की तरफ है और एक बाद की तरफ एक एक कार्बन प्रेजेंट है, देन सच काइंड ऑफ लॉन्ग पाथ इज नोन एज अ नॉर्मल चेन। अब यहां यहां पर हाइड्रोजन रख दो, यहां यहां पर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज नोन एज नॉर्मल चेन। ट्रिक क्या है? सेंट्रल हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड और राइट साइड एक एक कार्बन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आइसो, आइसो में क्या होता है, चार कार्बन का यहां पे भी ले रहे हैं लेकिन देखना डिफरेंस क्या आ जाता है, सिंगल कार्बन इसके लेफ्ट राइट के साथ साथ या तो टॉप की तरफ या तो बॉटम की तरफ, मतलब सिंगल कार्बन उसके तीन साइड कार्बन होना चाहिए, ठीक है, यहां पे आप कह सकते हो कि मिनिमम दो साइड कार्बन होना चाहिए और यहां आप कह सकते हो कि मिनिमम तीन साइड कार्बन अगर प्रेजेंट है तो दैट वुड बी आइसो चेन। ये भी आप देख रहे हो कि चार कार्बन की रिंग चेन है, चार कार्बन का ही है लेकिन इसमें एक कार्बन को नीचे रख दिया गया, देन दैट कंडीशन इज नोन एज व्हाट, दैट कंडीशन इज नोन एज आइसो चेन। अब यहां पे भी एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, ओके, इस वाले हाइड्रोजन में एक दो तीन, तीन साइड में ऑलरेडी कार्बन लगा है तो एक साइड और हम हाइड्रोजन लगा देंगे, यहां पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इस वाले लास्ट वाले कार्बन में भी तीन साइड लगेगा क्योंकि सिर्फ टॉप के तरफ एक एक कार्बन लगा हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा आइसो। लास्ट की बात करते हैं नियो, नियो का मतलब है ऑल फोर साइड्स, चारों साइड्स कार्बन ही होना चाहिए, कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल में दो साइड कार्बन दो साइड हाइड्रोजन या दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप, आइसो में तीन साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन या कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप, और नियो में चारों साइड कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, दैट चेन वुड बी नोन एज नियो चेन। अब ये जितनी जगह हम डैश लगा रहे इन सब जगहों पे अटैच हो जाएगा क्या, एक एक हाइड्रोजन, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जितने हैं सब में 12 हाइड्रोजन ही है, कितने इस वाले में 4 कार्बन तो 4 2 10 4 2 8 और 8 + 2 10 तो इसमें 10 इसमें 10 लेकिन इसमें 5 2 10 क्योंकि ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड नहीं है सर, डबल ट्रिपल तो है नहीं, तो 5 2 10 + 2 12 तो यहाँ पे 12 हो गए। नाउ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर एक नॉर्मल चेन बनाना है तो मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत, 3 कार्बन की, ठीक है, ये लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड भी आपको कार्बन देखना है। अगर आइसो बनाना है तो कितने, मिनिमम 4 कार्बन की जरूरत है, मिनिमम 4 कार्बन, 4 से कम में काम नहीं चलेगा, और अगर नियो बनाना है तो मिनिमम 5 कार्बन की जरूरत है, ओके, दिस वाज नॉर्मल, दिस वाज आइसो एंड दिस वाज नियो। मूविंग टू एरोमेटिक, नाउ व्हाट इज एरोमेटिक, अ कार्बन स्ट्रक्चर कंपोजिंग ऑफ मेकिंग अ सर्कुलर स्ट्रक्चर और अ क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है, इस पूरे को यानी कि ब्रांच और चेन इन दोनों को हम किसमें कंसिडर कर सकते हैं, इसको ओपन में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक वुड बी कंसिडर्ड इन द क्लोज्ड पोर्शन, सील्ड पोर्शन, ओके, तो यहां पे भी मिनिमम 3 कार्बन की जरूरत है टू प्रिपेयर अ रिंग,
मिनिमम तीन कार्बन. सो दिस इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ ट्राई स्ट्रक्चर. ओके, अगर फोर को ले लेंगे हम तो इस तरीके से स्क्वायर बन जाएगा, तो वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल. फाइव ले लोगे तो पेंटागन. सिक्स ले लोगे तो हेक्सागन. सेवन ले लोगे तो हेप्टागन. एट तो ऑक्टागन. इस तरीके से जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर भी इंक्रीज होगा. तो मिनिमम तीन कार्बन की जरूरत है टू प्रिपेयर अ एरोमेटिक स्ट्रक्चर. ओके, यहां पे तीन, चार, पांच और यहां पे मिनिमम तीन कार्बन की जरूरत है. ओके, सो दिस वॉज द चेन ब्रांच एंड द रिंग. अब आते हैं आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज होमोलोगस सीरीज. तो आइए बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की. तो होमोलोगस सीरीज इज एक्चुअली अ ग्रुप. अब इस ग्रुप को आप नॉर्मल लाइफ से कैसे कोरिलेट कर सकते हो, जैसे एक पर्टिकुलर सरनेम की एक फैमिली हो, शर्मा फैमिली हो गई, श्रीवास्तव फैमिली हो गई, गुप्ता फैमिली हो गई, शुक्ला फैमिली हो गई, कोई भी फैमिली एक ग्रुप है, उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उस ग्रुप में आ जाएंगे और उन सबकी ओरिजिन सेम होगी, उन सबके कस्टम सेम होंगे. हो सकता है उनके फिजिकल मतलब अपीयरेंस अलग अलग हो, देखने में वो सब अलग हो, लेकिन थिंकिंग, वर्किंग स्टाइल, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम हो. बिल्कुल वैसे ही है होमोलोगस सीरीज, जिसमें दे आर एक्चुअली ग्रुप कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स जिनमें की जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, बट उनका जो बेसिक मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम होगा. इस तरीके से जैसे एल्केन है, ANE, सब सिंगल बॉन्ड होते हैं. ओके, सब में उसका फॉर्मूला स्ट्रक्चरल मॉलिकुलर फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं. अगर तीन कार्बन है तो तीन कार्बन की चेंज आएगी, चार कार्बन है तो चार की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वो उस तरीके से मूव होते जाएगा, फंक्शन चलता जाएगा. ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन. तो यहाँ पे है सीरीज विद सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला. मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, उनका सेम होगा. मॉलिकुलर फॉर्मूला वही CnH2n+2 एल्केन के लिए, CnH2n एल्कीन के लिए और CnH2n-2 एल्काइन के लिए. ओके, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. अब इनके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं. क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला जनरल फॉर्मूला यानी कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा. नेक्स्ट CN2 का डिफरेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर एल्केन की बात करें तो जो पहला मेंबर है एल्केन फैमिली का दैट इज CH4, उसके बाद जो दूसरा मेंबर है दैट इज C2H6, तीसरा मेंबर है दैट इज C3H8, नेक्स्ट इज C4H10. अगर इनमें आप डिफरेंस देखोगे तो CH2 और CH2 का होगा डिफरेंस. ओके, तो पहले मेंबर और नेक्स्ट मेंबर में CH2 का डिफरेंस होगा. अब CH2 का जब डिफरेंस होगा तो उसके मॉलिकुलर फॉर्मूला में भी मतलब मॉलिकुलर मास में भी डिफरेंस होगा. कैसे, कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो दो हाइड्रोजन का हो गया 2, दैट मींस 12+2 वुड बी इक्वल टू 14. ओके, तो 14 का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा. आफ्टर दैट सेम फंक्शनल ग्रुप. इन केस अगर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे OH अगर लगा है तो अल्कोहल कहेंगे, COOH लगा है तो हम उसे कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा है तो हैलोजन फैमिली. तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप सब में कॉमन होते हैं, सेम होते हैं. और अगर नॉर्मल हम एल्केन एल्कीन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दे वुड एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप. आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज उन सबकी सेम होगी, यानी ऑक्सीडेशन, कंबशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एक ही तरीके से सब परफॉर्म करेंगे. लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक अपीयरेंस, कलर, टेस्ट, स्मेल, ये अलग अलग हो जाएगी. आफ्टर दैट प्रिपरेशन मेथड, तो सबको प्रिपेयर करने का मेथड सेम होगा. यानी एल्केन के सारे एलिमेंट्स को सेम तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, एल्कीन के सारे एलिमेंट्स को, सारे मेंबर्स को सेम तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, सेम विद एल्काइन एंड अदर्स एज वेल. नाउ लास्ट पॉइंट, फर्स्ट से लेकर फोर्थ, जैसे कि अगर हम यहां बात करें तो ये जितने हैं दे ऑल आर गैसेस. C5 से लेकर हम जाएं C13 तक तो दे वुड बी व्हाट, दे वुड बी लिक्विड इन नेचर.
पहले गैसेस 1 से लेकर 4 तक जितने हैं, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, दे ऑल वुड बी गैसेस. देन आफ्टर C5 से लेके C13 तक दैट वुड बी लिक्विड, एंड 14 ऑनवर्ड्स मीडियम तक दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सॉलिड्स. ओके, तो यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं. पहला क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेशन, दूसरा बन सकता है कैरेक्टर्स, और तीसरा बन सकता है एग्जाम्पल. ओके, तो इन्हीं तीनों एरिया से क्वेश्चन बनते हैं. आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक जो फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का अच्छे से समझ में आ गया होगा. काफी लॉन्ग पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया है. नेक्स्ट वीडियो होगा नॉमेनक्लेचर पे, और उसके साथ एक और छोटा सा टॉपिक है दैट इज आइसोमेरिज्म. उन दोनों को हम उसी में डिस्कस करेंगे. नॉमेनक्लेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है. उसमें हम डीपली एक एक पोर्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे. देखिए, ये जो नॉमेनक्लेचर है दैट इज योर बेसिक. अगर आप क्लास टेंथ में समझ गए ना, तो 11, 12, नीट, जेई, आईआईटी इन सब का बहुत इजीली कर लोगे सॉल्व. ओके, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और उसमें देखेंगे नॉमेनक्लेचर. आई होप सो आज जो भी हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. प्लीज इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए और आगे के वीडियोस को भी देखते रहिए. अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न द बेल आइकन, ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू एवरीवन, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर.